आई होप कि गाइस आप सब बहुत ही मस्त होंगे। सो दोस्तों, जिस वीडियो को अभी आप प्रीव्यू में देख रहे हैं और गाइस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि गाइस कमिंग सून रिपब्लिक डे के ऊपर एक स्टेटस वीडियो है। गाइस आप भी चाहते हैं इस टाइप से एक स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको गाइस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस टाइप के स्टेटस वीडियो को कैसे एडिटिंग किया जाता है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक करके हमारे चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा इस तरह का ट्रेनिंग वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। तो गाइस बिना वक्त स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। तो कैपकट एप्लीकेशन ओपन हो जाने पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से गाइस आपको एक 7 सेकंड को वीडियो को ऐड कर देना होगा। इस 7 सेकंड को वीडियो को गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से लास्ट में चले जाना है कैपकट के लोगो पे क्लिक करके और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस इसको डिलीट कर देना होगा। देन गाइस आपको इसमें इमेज को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस रिपब्लिक डे का इमेज को ऐड करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से गाइस आप रिपब्लिक डे का इमेज को कर लीजिएगा। अगर गाइस आपके पास रिपब्लिक डे का इमेज नहीं है तो गाइस मैं ऑल टू इमेज को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन गाइस यहां से इस प्रकार से ऐड हो जाने के बाद इमेज आपको ऐसे जो इमेज फुल स्क्रीन में नहीं रहेगा उस पर क्लिक करके इस प्रकार से गाइस आपको फुल स्क्रीन में कर देना होगा। तो इस अकॉर्डिंग गाइस आपको जो इमेज फुल स्क्रीन में नहीं रहेगा उस इमेज को आपको फुल स्क्रीन कर देना। फिर से गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाना है, इसमें आपको सॉन्ग को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से गाइस आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको एक सॉन्ग को ऐड कर देना होगा। इस सॉन्ग को गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ और गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली गाइस आपको सॉन्ग पे क्लिक कर देना होगा और नीचे गाइस आपको स्क्रॉल करके एक्सट्रैक्ट ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से गाइस आप एक्सट्रैक्ट ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर से गाइस आपको सॉन्ग वाले वीडियो पे क्लिक करके और डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको गाइस डिलीट कर देना होगा। तो सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद गाइस आपको आगे की ओर स्क्रॉल कर देना है और फर्स्ट नंबर वाले इमेज पे गाइस आपको क्लिक करके इस इमेज को गाइस आपको 2 सेकंड पे कर देना होगा। तो यहाँ से गाइस आप फर्स्ट इमेज को 2 सेकंड पे कर करके और नेक्स्ट वाले इमेज पे भी क्लिक करके इसको भी गाइस आपको 2 सेकंड पे कर देना होगा। तो इसी अकॉर्डिंग गाइस आपको ऑल टू ऑल इमेज को 2 सेकंड तक कर देना होगा और लास्ट में गाइस जहाँ तक हमारा सॉन्ग रहेगा उस सॉन्ग के हिसाब से गाइस आपको लास्ट इमेज को एडजस्टमेंट करके और जो इमेज एक्स्ट्रा बच गया उस पर क्लिक करके और डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको गाइस हम डिलीट कर देंगे। देन गाइस फर्स्ट वाले इमेज पर आपको क्लिक कर देना होगा और फर्स्ट वाले इमेज पर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे एनिमेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से गाइस आप एनिमेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और थोड़ा सा गाइस आप वेट कर लीजिएगा और यहां से आपको कॉम्बो वाले पे क्लिक कर देना होगा। कॉम्बो वाले पे क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको यहां से एक इफेक्ट पेंडुलम 1 को ऐड कर देना होगा। यहीं से गाइस आप आगे क्रॉस कॉल कीजिएगा और पेंडुलम 2 को इफेक्ट को ऐड कर दीजिएगा। देन गाइस आपको फिर से आगे क्रॉस कॉल कर देना है और डिस्ट्रॉय लेफ्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना होगा। देन गाइस लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करके और यहां से गाइस आपको डिस्ट्रॉय लेफ्ट वाले पे क्लिक कर देना होगा। राइट और लेफ्ट वाले पे गाइस आप क्लिक कर देने के बाद फिर से गाइस आपको जहां से हमारा इमेज स्टार्ट होता है और जिस इमेज में गाइस आपको सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना होगा, इस प्रकार से आ जाने के बाद बैक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा और यहाँ से गाइस वेट कर लेने के बाद आपको आगे क्रॉस कॉल करके और स्पार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ से गाइस आप स्पार्क वाले ऑप्शन पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको गाइस मीट्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से गाइस इसमें ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो फिर से गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाना होगा, एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना कि वीडियो किस प्रकार से बन चुका है और फुल वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको वीडियो को सेव करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से गाइस आपको सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देन गाइस यहाँ से वीडियो सेव होके आपके गैलरी में चला जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक करके हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।